क्वेश्चन नंबर 4 चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स ए वायर आपलेन थियर एंड क्रॉस सेक्शन ए हम फ्रॉम ए विकेट सपोर्ट इज लोडेड बाय ए मास एम एलोंगेशन प्रोड्यूस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मॉडुलस ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ये चीज कह रहे हैं तो देखिए एम मॉडुलस के लिए क्वेश्चन लिखते हैं तो एम मॉडुलस वाई इक्वल टू क्या होता है एमडीएल अपॉन एएल यहां से एल इक्वल टू क्या हो जाएगा एमडीएल अपॉन एवाई हो जाएगा एमडीएल अपॉन एवाई है ना ठीक है तो हम कहते हैं कि एल इज प्रोपोर्शनल जो एल इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड और एल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम मॉडुलस जो नीचे है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ जो ऊपर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना ठीक है तो हमें क्या रिजल्ट मिला बताओ रिजल्ट मिला कि एलोंगेशन इज एलोंगेशन प्रोड्यूस इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ क्योंकि ये प्रोपोर्शनल में रिलेशन नहीं लगा एल में कैसा रिलेशन है एल इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एल एलोंगेशन इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर ना एलोंगेशन इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड ठीक है और एलोंगेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एलोंगेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्स मॉडुलस अब यहां पर आ जाए देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल का ना तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एम हो गया हां तो ये ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया आपका ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्स मॉडुलस ये भी गलत है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये गलत हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ये सही है क्योंकि देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिल रहा है ना ठीक है तो इस तरह से ऑप्शन बी और डी सही है ऑप्शन बी और डी क्या है सही है ना ठीक है इस पे पढ़ दो अच्छा भाग घंटा या पलटी टू कॉपर वायर
cell thickness. Half cell thickness. Thickness. Have them in the ratio 1:2 are being stretched by same force. The ratio of strain produced will be. ये कह रहे ना? तो देखिए दो पाप और वैसे thickness के हैं, ना? दोनों पर एक ही फोर्स लगाया जा रहा है, दोनों पे आप क्या जा रहा होता है, एक ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, और एक ही फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, तो आपको क्या निकालना होता है, स्ट्रेन रेशियो निकालना, तो देखिए यंग मॉडुलस स्टूडेंट क्या होता है बताओ यंग मॉडुलस स्टूडेंट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ना ठीक है स्ट्रेस क्या होगा अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया स्ट्रेन इलॉन्गेशन अपॉन इनिशियल एरिया तो आपको क्या निकालना है आपको निकालना है स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड रेशियो ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड ना तो स्ट्रेन निकालना है स्ट्रेन कितना होता है बताओ स्ट्रेन इसको ऐसे लेते हैं स्ट्रेन जो है तो यहां से y को लिखा जाएगा f अपॉन a इनटू स्ट्रेन है ना तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा यहां से स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा स्ट्रेन स्क्वायर f अपॉन a इनटू y ये स्ट्रेन होगा है ना तो चलिए आप देखें स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू क्या बताओ अप्लाइड फोर्स स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस तो देखिए दोनों का फर्क है ना तो y क्या है बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल y क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल तो दोनों का फर्क दोनों y का फर्क बने हैं इसलिए y सेम हो जाएगा दोनों के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम करेंगे ठीक है सेम है क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो गया इस तरह से ए वाई दोनों क्या हो गया सेम हो गए अब स्ट्रेन किस पर डिपेंड करेगा तो फोर्स पर डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स पर अप्लाइड फोर्स भी कह रहे कि स्ट्रेन बाय द सेम फोर्स कह रहे अप्लाइड फोर्स भी सेम अप्लाइड फोर्स क्या बताओ सेम इधर देखिए अप्लाइड फोर्स भी यहां पर सेम है ना तो देखिए फोर्स अप्लाइड फोर्स सेम है क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है यंग मॉडुलस सेम है तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा दोनों वायर के लिए स्ट्रेन सेम हो जाएगा ना हां स्ट्रेन प्रोड्यूस इन फर्स्ट वायर अपॉन स्ट्रेन प्रोड्यूस इन सेकंड वायर स्ट्रेन प्रोड्यूस इन सेकंड वायर क्या हो जाएगा f अपॉन a वायर f अपॉन a वायर ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 1 अपॉन तो 1 से 1 ये आपका ऑप्शन हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन सही है हैं व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट पहला वाला का नाम क्या है ए ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना ठीक है अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाए ये वायर ऑफ लेंथ है रेडियस आर इज क्लैंप रिजिडली एट वन एंड व्हेन द अदर एंड ऑफ द वायर इज पुल्ड बाय फोर्स एफ इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 1 एंड अदर वायर ऑफ द सेम सबस्टेंस ऑफ लेंथ 2L एंड रेडियस 2R व्हेन पुल्ड बाय फोर्स 2L द इंक्रीज इन द लेंथ विल बी ठीक है तो इसलिए एक बार इसका क्वेश्चन लिखते हैं तो ये मॉडुलस वाई स्क्वायर कितना हो रहा है मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये स्ट्रेन जो होगा इलास्टोमेरिक फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया स्ट्रेन तो स्ट्रेन कितना होगा बताइए स्ट्रेन जो है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू एल हो जाएगा है ना तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या हो जाएगा मतलब यहाँ से एल स्क्वायर हो जाएगा f into f upon a into y a into y ठीक है आपको क्या निकालना है कह रहे कि y का length l and radius r is claimed rigidly
at one end, while the other end of the wire is pulled by a forceps, its length is increased by 1, and other wire of same substance. After this, radius this pulled by the same force, then increase in length. Second wire का length कितना change होगा? ऐसे आपको निकालना है, ना? तो चलिए, आगे. तो देखिए, L2 by L1 कितना हो जाएगा? L2 by L1. L2 by L1 is equal to F1 L1 upon A1 Y1 whole upon upon कितना हो जाएगा? F2 L2 A2 Y2 होगा ना? तो यहाँ से क्या मिलेगा तो? यहाँ से मिल जाएगा L2 by L. L2 by L is equal to F1 L1 A1 Y1 ये जगह ए टू वाई टू एफ टू एल टू है ना. तो कितना जगह एफ वन की वैल्यू कितना है? एफ वन की वैल्यू एफ स्क्वायर एफ टू दीजिए, ठीक है. और एल वन की वैल्यू एल स्क्वायर एफ टू दीजिए, ए वन की वैल्यू ए स्क्वायर एफ टू दीजिए है. और वाई वन की वैल्यू वाई एन मॉडल ऑफ द मटेरियल. चलिए F2 की वैल्यू कितना बताएं? नहीं, A2, A2 की वैल्यू कितना है? A2 की वैल्यू जो है 2 टाइम A2 जो है, जैसे क्रॉस सेक्शन क्या होगा इसका? इसका जैसे फर्स्ट वायर का रेडियस R है, इसका 2R है ना? तो रेडियस कितना है, इसको चेंज कर लीजिए आप. रेडियस कितना हो जाएगा? चलिए इस तरह बढ़ाते हैं. तो रेडियस हो जाएगा आपका F1 L1 F1 upon F2 और A2 upon A1. A2 upon A1 को क्या लिख सकते हैं? pi R2 square upon pi R1 square, ठीक है. और F1 upon F2 pi R2 square upon pi R1 pi R1 square, ठीक है. F1 upon F2 हो गया. अब Y1 upon Y2 upon Y1, Y2 upon Y1 हो जाएगा, ठीक है. और L1 upon L2 हो जाएगा, L1 upon L2 है ना, L1 upon L2. F1 upon F2 pi R2 square upon pi R2 square, Y2 upon Y1, ठीक है, L1 upon L2. तो F1 की वैल्यू क्या है? F है. F2 की वैल्यू क्या है? 2F है ना. देखिए F1 की वैल्यू कितना दे रहा है? F1 की वैल्यू दे रहा है by force F, ठीक है. और F2 की वैल्यू क्या है? पहले by force 2F. F1 के प्लेस पर हमने F लिख दिया, F2 प्लेस पर 2F लिख दिया. अब देखिए पाई से पाई कैसे बढ़ेगा. R2 के वैल्यू कितना कह रहे हैं? R2 के वैल्यू कह रहे हैं 2R. R2 के वैल्यू कितना कह रहे हैं? 2R ना. यहां लिखे 2R होल स्क्वायर. R2 के वैल्यू कितना कह रहे हैं? R स्क्वायर. R तो R स्क्वायर हो जाएगा n टू l1. l1 की वैल्यू कितना है? हां, l1 की वैल्यू इनिशियल लेंथ कितना हो जाए? हां, लेंथ l कह रहे थे, n लिख दीजिए ना. पहले आप लेंथ ए पॉइंट और लेंथ सेकंड वायर की लेंथ कितना है? 2L. सेकंड लेंथ की वायर क्या है? 2L. यहां पर 2L लिख देते हैं, ठीक है. बस अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं. तो F से F कैंसिल हो गया हमारा, S F कैंसिल हो जाएगा है. तो कितना हो जाएगा? 4R स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर ना, 4R स्क्वायर इनटू 4R स्क्वायर, 2 इनटू 4 है. देखिए 2 इनटू 4 हो जाएगा, R स्क्वायर ऊपर, R स्क्वायर नीचे, ठीक है. ये 1 अपॉन 1, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1 रेशियो 1 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 1 रेशियो 1 ना. तो यहां से L2 अपॉन L1 कितना हो जाएगा? L2 अपॉन L1, L1 की वैल्यू 1 है, L1 की वैल्यू क्या है? 1, 1 लिख दीजिए. और इसके वैल्यू 1 आ रहा है, L2 कितना हो जाएगा? होता है 1 into 1, that is 1, ठीक है. F2 पास कितना होगा? 1 into, कितना होगा? 1 into. तो कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? 1 A part. A part, ठीक है. ऑप्शन A इसका है, ठीक है. चलिए काफी कुछ है.